नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सोमवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने का आगाज हुआ। विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का है। राष्ट्रीय रोड सेफ्टी कैंपेन की शुरुआत करते हुए नितिन गडकरी ने भी कहा कि इस अभियान की जरूरत बहुत ज्यादा थी। सड़क हादसों में कई युवा आए दिन अपनी जान गंवा रहे हैं। इस अभियान के जरिए युवाओं को रोड सेफ्टी नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि अगर हम 2030 तक इंतजार करते तो सड़क दुर्घटना में 6 से 7 लाख लोग और मर जाएंगे। इसलिए हमने एक संकल्प लिया है कि 2025 से पहले सड़क दुर्घटनाओं और इसके कारण से होने वाली मौतों को 50% से नीचे लाया जाए। इसमें लोगों की सहायता ली जाएगी, तभी ये पूरा हो पाएगा। हम सब लोगों को ये काम तेजी से लोगों की जान बचाने का काम आगे ले जाना होगा। पिछले साल में स्वीडन में सरकार की ओर से हमने जो कार्यक्रम हुआ था टुवर्ड्स अचीविंग जीरो रोड फैटलिटीज विजन ऑन इंडियन रोड्स बाय 2030, तब हमने ये उनको कहा था कि हम 50% डेथ और एक्सीडेंट कम करेंगे। पर आज तमिलनाडु की सक्सेस स्टोरी देखी, उन्होंने 53% डेथ्स एंड एक्सीडेंट कम किए हैं। तो 2030 तक अगर राह देखते रहेंगे तो कम से कम और 6-7 लाख लोग इसमें मर जाएंगे। तो हमने जरूर वहां कमिट किया है, पर आप सबके विश्वास के साथ मैं कमिट करता हूं और आपके सहयोग के द्वारा हम लोग पूरा करेंगे। ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम 2025 के पहले ही ये 50% डेथ्स और 50% एक्सीडेंट पूरे करने का काम जन भागीदारी और जन सहभाग से हम निश्चित रूप से करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूँ। इस मौके पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि हर दिन 30 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और मार्च के अंत तक शायद हम 40 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इस बार हमने अभी तक, मार्च तो एंड हुआ ही नहीं है, पर राजनाथ जी हमने रोड कंस्ट्रक्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आज ही हम लोग 30 किलोमीटर के ऊपर पहुंच गए हैं। और मैं विश्वास रखता हूं कि मार्च एंड तक, जब मैंने ये कहा था कि 40 किलोमीटर रोड पर डे बनेंगे, तो लोगों ने मुझे, बहुत पत्रकार ने हंसे थे और उन्होंने कहा था कि ये कभी होना संभव नहीं है, पर शायद इस मार्च एंड तक हम 40 किलोमीटर पर डे के रोड कंस्ट्रक्शन में पहुंचेंगे। तो ये रोड बनेंगे 4 लेन 6 लेन, तो एक्सीडेंट कम होगा। इसमें रोड इंजीनियरिंग में भी काफी सुधार हमने किया है और निश्चित रूप से इसका फायदा हमारे देश को होगा। जो हेलमेट के बारे में BIS स्टैंडर्ड जो है, उसी के हेलमेट यूज करने के बारे में और वो लाइट बने, इसके बारे में मैंने बहुत IITs को कहा था, वो बहुत वजनी होता है, पर ऐसा मटेरियल हम तैयार करें कि जिसमें पहनते हुए तकलीफ ना हो, हवा भी अंदर आए और उसके क्वालिटी के हिसाब से भी वो ठीक हो। इसमें भी लगातार हो रहा है और मुझे लगता है कि लाइट इन वेट अभी BIS स्टैंडर्ड के भी हेलमेट आए हैं, इससे काफी लोगों की जान बचेंगी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान 17 फरवरी तक चलेगा। मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस एक महीने की अवधि में देश भर के अंदर रोड सेफ्टी से जुड़े पैम्पलेट, स्लोगन, बैनर इत्यादि के जरिए रोड सेफ्टी अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में परिवहन मंत्रालय, PWD, पुलिस, डॉक्टर और शिक्षण संस्थान आदि को शामिल किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।